तुराई की सब्जी बनाने के लिए तुराई ले रहे हैं। आप तुराई को अच्छे से छील लीजिए इस तरह से, सभी तुराइयों को। आप इसको कट कर लीजिए छीलने के बाद। इस तरह से आप सभी तुराई को तैयार कर लीजिए। अब सब्जी बनाते हैं। घी ले रहे हैं 1 चम्मच। एक चम्मच जीरा, हींग स्वाद अनुसार, तुराई डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, इसे आप 10 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए मीडियम लो फ्लेम पे। आप मिर्ची को भी इस तरह से कट कर लीजिए, बीजे निकाल के बारीक। मिर्ची को कट कर लीजिए आप बारीक इस तरह से। घी 1 चम्मच छोटा, हींग स्वाद अनुसार, जीरा 1/2 चम्मच, मिर्ची डालेंगे। धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार, अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए 2 मिनट के लिए और आपकी मिर्ची की लौंची बनकर तैयार है। आप देखिए अच्छे से अपनी तुराई सीज गई है। अब इसमें अपन मसाला मिलाएंगे। धनिया पाउडर 2 बड़ी चम्मच, काली मिर्ची स्वाद अनुसार या 1 चम्मच। इसे अब आप हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिए। सब्जी बनकर तैयार है तुराई की, सर्व कर रहे हैं। आप हरा धनिया डाल सकते हैं अगर आप हरा धनिया लेते हो तो। अपन ने बिना पानी की सब्जी को तैयार कर लिया है, फरकी सब्जी बोलते हैं। अब अपन झोल की सब्जी बना रहे हैं। मैंने पानी को पहले से गर्म करके रखा है एक बॉइल लेकर। अब गर्म पानी आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। इसे अब आप बॉइल ले लीजिए, 1 या 2 बॉइल लेंगे सब्जी तैयार हो जाएगी झोल की भी। सब्जी में बॉइल आ गया है, 2 मिनट लगे हैं बनने में। अपनी सब्जी बनकर तैयार है, सर्व करेंगे। रोट बना रहे हैं। रोट के लिए आटा लिया है गेहूं का। आपको आटा मोटा लेना है, और अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप जो नॉर्मल आटा होता है उसमें आप रवा मिला लीजिए। आटा और रवे का रेशो जो आप लें वो 3:1 का रेशो लीजिएगा। 1 चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा नमक ज्यादा लीजिएगा। मिक्स करेंगे। घी डालेंगे 2 बड़े चम्मच बराबर घी। आप डो बनाने के लिए कुनकुना पानी का यूज कीजिएगा।
डो बनके तैयार है। बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं करना है आपको, बाटी जैसा ही रखना है इसको। इसे रेस्ट पे रखेंगे आधे घंटे के लिए। सारे बॉल्स तैयार कर लिए आटे के, अब अपन रोट बना रहे हैं। अब आप देखिए इस तरह से कंगूरे बनाने हैं। देखिए इस तरह से आप इसको होल कर लीजिए, आप अंगूठी या ढक्कन या किसी भी सहायता से बना लीजिए इस तरह से। अब आप इसे तवे पे सेकिए। एक अपन तवे पे सेक रहे, अब आप ओवन में भी सेक सकते हैं, ओटीजी में भी सेक सकते हैं। 5 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे हल्का सा सिकने पर। इसे अपन ने टर्न कर लिया है हल्का सा सिकने पर। तवे पे सेकने के बाद अब आप इसे गैस पे अच्छे से कड़क कर लीजिए और अब घी लगा के अपन सर्व करेंगे। ये देखिए आप ओवन में भी सिक चुका है, अब इसे अपन गैस पे सेक लेते हैं। इसे अब आप अच्छे क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। आप इसमें होल कर लीजिए चम्मच से घी लगाते लगाते और फिर घी अच्छे से लगा लीजिए इस पे। आप देखिए ओवन में भी बहुत अच्छे से सिक गए, सिकने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और बहुत ही कुरकुरे बने। चावल की खीर बना रहे हैं। चावल की खीर बनाने के लिए आप चावल की क्वांटिटी अपने हिसाब से लें, आपको जितनी गाढ़ी रखना है या पतली रखना है। इसे आप अच्छे से धो के सोक करके रखें 10 मिनट के लिए पानी में। एक छोटा चम्मच घी ले रहे हैं। आपने जो चावल सोक किए थे उसको घी में डाल के अपन हल्का सा सेकेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए चावल रोस्ट हो गए, अब अपन दूध डालेंगे इसमें। दूध 2 लीटर ले रही हूँ मैं। दूध को मैंने पहले से गरम करके रखा हुआ है। आप देखिए बहुत अच्छे से उकाली आ गई है। कप केसर डालेंगे अपन और इसे मीडियम लो फ्लेम पे आप इसे उबालते रहिए, बीच बीच में हिलाते जाइएगा। केसर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ही डालिएगा, इससे कलर और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आएगा। अब मैं जायफल डाल रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल पिंच डालना है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए आप बहुत अच्छे से उबल गए अपने चावल भी। अब शक्कर डालेंगे। शक्कर डाल रही हूँ मैं, 150 ग्राम के करीब शक्कर है। आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं कम ज्यादा। अब इसे आप 15 से 20 मिनट तक और उबालिएगा। 3 से 4 इलायची का पाउडर डालेंगे। अपनी खीर बनके तैयार है, सर्व करेंगे इसे।